तो वहीं अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शुभकामनाएं और उनके द्वारा दिए गए समर्पण निधि के साथ पूरे देश से होगी। आपको बता दें, इसके लिए आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंदा देने वाले पहले सहयोगी हैं और इस पर देश की निगाह होगी कि राष्ट्रपति की ओर से दान की गई राशि कितनी होगी। और वहीं आपको बता दें कि विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अभियान के लिए शुभकामनाएं लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।